Hello friends, let us discuss this question which came from the topic Binomial Theorem in JEE Main exam in 2013. If the 7th term in the binomial expansion of iska binomial expansion hai, uski 7th term is equal to 729, to humko x nikalna. To ye question hai sirf general term ka, any term, 7th term, 8th term, 10th term of any binomial expansion. Agar humko wo nikalni bhi hoti hai ya fir wo humko given hai up to some value aur humko x ki value nikalni hai. तो इस तरह के क्वेश्चंस दोनों तरीके से बनते हैं, जनरली इसी तरह से बनते हैं. हमको टर्म गिवन होती है और x की वैल्यूज निकालनी होती है. यहां पे ये ln x है, बेसिकली इट मींस log ऑफ x. तो हम लास्ट में log x की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. उसको आप मानना चाहे तो इसको t मान सकते हैं और t की वैल्यूज निकाल के फिर बाद में आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो ये सबसे पहला काम होगा, मैं जनरल टर्म लिखूंगा क्योंकि मेरे को 7th टर्म निकालनी है और उसको इक्वेट करना है 729 के. तो जनरल टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, फॉर एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus y raised to power n, उसके लिए हम जनरल टर्म या r plus 1th टर्म को ऐसे लिखते हैं, tr plus 1 is ncr x raised to power n minus r y raised to power r, where n x and y can be positive or negative and n is a positive integer. तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो आवर x इज 3 by cube root of 84, दैट इज आवर x, y इज root 3 ln x एंड आवर n इज 9. तो जस्ट मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो टी आर प्लस वन आएगा 9 cr, दैट इज ncr, और फिर सेकंड टर्म की पावर r, बिकॉज y की पावर क्या है, r. हमेशा मैं पहले सेकंड टर्म लिखता हूँ क्योंकि मुझे ध्यान रहता है कि जो ncr में जो r आता है वो सेकंड टर्म की पावर आती है और जो फर्स्ट टर्म है उसमें आती है रिमेनिंग पावर. अगर यहाँ पर पावर r है तो रिमेनिंग पावर क्या होगी, 9 r. तो इस तरह से मैं ये जनरल टर्म को ध्यान रखता हूँ, आप भी इस तरह से ध्यान रख सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम r की वैल्यू पुट करेंगे और 7th टर्म निकालेंगे. तो अगर मेरे को 7th टर्म गिवन है 729, तो बेसिकली मुझे t7 गिवन है. तो t7 का मतलब है r की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, जब t7 आएगा r को मैं रखूंगा 6, तो उससे आएगा मेरा t7. तो मैं राइट हैंड साइड में 6 पुट करूंगा. आप गलती से 7 मत पुट करिएगा, वो एक कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं. तो यहाँ पर आएगा 9c6, ये पार्ट आएगा 9 - 6, ये आएगा की पावर 6. बेसिकली मैंने आर को 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, t7 आ गया. t7 हमको गिवन है 729, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. अब ये एक इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है, मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. पहले मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँगा. तो इसमें तीन पार्ट है. पहला पार्ट है बाइनोमियल, ये जो भी कोफिशियंट है उसकी वैल्यू हम ncr के फॉर्मूले से निकालेंगे. तो 9c6 हो जाएगा 9 × 6 = 3. और फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है अगर हमको कैंसिल आउट करना होता है तो हम जो बड़ा फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 7 × 6, ताकि हम इन फैक्टोरियल्स को कैंसिल आउट कर सकें. उसके बाद में रिमेनिंग तो सिंपल हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 84. तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 729 = 84, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी. अब मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूँगा. इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 3, बिकॉज 9 - 6 = 3. इसको मैं ब्रेक कर लूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह से. अब यहाँ पे नोटिस करिए 84th का क्यूब रूट, उसकी पावर 3 मतलब वो आएगा 84, तो आएगा 3 raised to power 3/84. यहाँ पर नोटिस करिए 9c6 भी कितना है, 84. देखिए क्वेश्चन में वैल्यूज़ इस तरह से गिवन होती हैं कि वैल्यूज़ अपने आप कैंसिल आउट हो जाती हैं. तो आप कभी भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ देख के घबराइए मत कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. आप सिर्फ कैलकुलेशन करते जाइए, अपने आप फैक्टर्स इस तरह से बनते हैं कि वैल्यूज़ अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है. ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 84 को अगर देख के मैं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगा तो वो मेरी बेवकूफ़ी है. अब हम थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, वो है √3 ln x^6. तो उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, √3 ln x^6. √3 क्या हो जाएगा, 3, बिकॉज 3 raised to power 1/2 की पावर 6. ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा. तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख लिया. अब यहाँ पे हम कैंसिलिंग आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ln x^6 मुझे निकालना है, तो ये 3 raised to power 3, इसको मैं कर लूँगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 729 / 3 raised to power 3. अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 27 × 27, वो 729 के बराबर ही होता है. तो इससे आएगा ln x^6 = 1. तो अब मैं इसके दो वैल्यूज़ लिख सकता हूँ क्योंकि पावर इवन है, तो मैं ln x की वैल्यू +1 भी लिख सकता हूँ और -1 भी लिख सकता हूँ.
लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एक्स इज पॉजिटिव बट लॉग कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो मैं दो केस ले सकता हूँ इसमें, पहला केस होगा पॉजिटिव साइन, तो मैं एल एन एक्स को लिख सकता हूँ प्लस वन, एक्स को लिखता हूँ ई, नेगेटिव साइन लूंगा तो एल एन एक्स को लिखूंगा माइनस वन, तो एक्स आएगा वन बाई ई। तो इस तरह से मैंने एक्स की वैल्यूज निकाल ली, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, वन बाई ई तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर है बी। तो लॉग की हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, जिस जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी की, लॉग को अगर इस तरह से लिखा होता है ए बी एक्स, तो हम ए को लिखते हैं बी रेज टू पावर एक्स, ये प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो इसीलिए गिवन है क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ लॉग को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब एल एन एक्स लिखा होता है उसका मतलब ऐसा होता है लॉग ई एक्स, जब मैंने उसको इक्वेट किया इक्वल टू वन, तो बेसिकली एक्स आ जाएगा ई रेज टू पावर वन। इस तरीके से हमने ये निकाली वैल्यू ई, और यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर माइनस वन, दैट इज़ वन बाई ई। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।